everything. तो उन्होंने कहा कि why don't you stay with me? दूसरे दिन उन्होंने बार में जाकर के कहा कि भाई there is an interesting fellow from Calcutta and why don't you all come and meet? तो उनके कलीग जो थे वकील वो आ गए दूसरे दिन. And he really liked Vivekananda because Swamiji was cracking jokes, he was answering all the questions. He never dodged anything. He just loved the way Swamiji was talking. Next day वो गए और स्वामीजी ने अचानक देखा कि वो स्वामीजी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कुछ पूछा तो स्वामीजी ने कहा, बोले अरे यार ये नौटंकी चालू, ये फिर बता रहे हैं अभी आज मैंने मौन व्रत लिया है और अभी मैं साधना कर रहा हूँ. सो ही वाज वेरी अनॉयड एंड ही केम बैक. नेक्स्ट डे फिर से उन्होंने, कल वकील थे तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, चलो एक बार और चलते हैं. अगेन स्वामीजी वाज टॉकिंग, ही वाज क्रैकिंग जोक्स, ही वाज सिंगिंग. एक दिन उन्होंने कहा, बोले ऐसा है स्वामी जी, ये जो आपका रूप है ना ये सही, वो कल जो आप वो नौटंकी कर रहे थे ना, वो मौन व्रत मौनी बाबा वाला, वो इट डजंट सूट, वो मजा नहीं आता आपके साथ. स्वामी जी ने कहा, नहीं मैं कोई नाटक नहीं करता. बोले नहीं नहीं मैं कल आया था, मैंने कुछ पूछा आपसे और आपने कहा कि आपने ऐसा इशारा कर दिया मौन व्रत आप. बोले नहीं मैंने मौन व्रत नहीं लिया था, मैं एक प्रयोग कर रहा था. मैं ये प्रयोग कर रहा था कि जब मैं कोई शब्द उच्चारित करूं तो विस्फोट होना चाहिए. आप में से जो लोग भाषा विज्ञान का अध्ययन करते होंगे और किसी अच्छे गुरु से सीखा होगा तो उन्होंने एक शब्द आपको बताया होगा, शब्द शक्ति. हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है. शब्द जब सही उच्चारित होता है, एक मंत्र जब सही उच्चारित होता है तो उसकी ऊर्जा प्रकट होती है. और तब आप जब सोचें कि ऐसी एक ऐसा विस्फोट हुआ होगा तो वाकई में स्वामी जी ने उन पांच शब्दों में शायद वो विस्फोट किया. मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मुगले आजम जो फिल्म आपने देखी है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मुगले आजम. नाउ देयर वाज वन सीन, अकबर का रोल कर रहे थे पृथ्वीराज कपूर पापा जी, तो हमेशा चले जाते थे एक घंटा पहले से मेकअप पूरा करना पड़ता था और उनकी शर्त थी कि आसिफ के साथ कि व्हेन एक बार मैं मेकअप में आ गया तो देन आई शुड बी ट्रीटेड लाइक जलालुद्दीन अकबर, तो फिर चाय आप नहीं पिला सकते, फिर उनको आपको शरबत पिलाती या फिर फलों का रस निकाल के देना पड़ेगा और आप उनको फिर समोसा भजिया नहीं खिला सकते, उनको कुछ बादाम चिलगोजे खिलाना पड़ेगा. तो उसमें एक जगह छोटा सा सीन था, वो असिस्टेंट आया, बोले पापा जी वो ऐसा है ना, वो सेनापति आएगा और वो आपको ऐसे सलाम करके जा रहा है तो आपको बोलना है रुक जाओ, बस इतना सा शॉट, छोटा शॉट, रुक जाओ इतना बोल. पृथ्वीराज के बोले, बोला मैं नहीं बोलता. अजीब है, रुक जाओ बोलना है, इतने से शूटिंग में क्या तकलीफ है भाई, कोई भी बोल देगा. बोले नहीं मैं नहीं बोलता. के आसिफ को बुलाया, के आसिफ बोले क्या हो गया. बोले सर आप डायलॉग चेंज करिए. बोले डायलॉग चेंज करिए, रुक जाओ में क्या चेंज करना है, रुक जाओ इस रुक जाओ. बोले नहीं रुक जाओ तो कोई भी बोल सकता है, हिंदुस्तान का बादशाह अगर बोल रहा है वो रुक जाओ कैसे बोले. पांच राइटर्स को बुलाया गया, पांच घंटे बैठे और ये डायलॉग चेंज हुआ, रुक जाओ. ये डायलॉग चेंज हुआ, थम जाओ. आप एक बार मुझे ऐसा मेरे कहने पे देख लीजिएगा, उसने वो पृथ्वीराज बोल थम जा, तो वो थम जब आप बोलते हैं वो थम से जो एक ठनी जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, विस्फोट होता है, तब जाकर के मुझे लगा कि स्वामी जी ने क्यों ये चमत्कार करके दिखाया. विल यू बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द फर्स्ट डे जो. और बड़े मजे की बात है कि स्वामी जी के लाइफ के साथ आज की घटनाओं को जब आप जुड़े, द वेरी फर्स्ट स्पीच ही गेव इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन वॉज 11 सितंबर 1893. 11 सितंबर को ही ट्विन टावर पे हमला होता है और पहले अपने भाषण के पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि आतंकवाद और अतिवाद धर्म को छोड़ना होगा, नहीं तो ये सृष्टि हम फिर से नष्ट कर देंगे.
घृणा से ऊपर उठ करके काम करना। इसलिए उन्होंने संदेश दिया कि सभी धर्मों में जो अच्छा है उसको स्वीकार करिए। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग जो बार बार कहते हैं स्वामी जी का, अब तुम अच्छा, मैंने जब सोचा मैंने कहा एक ही भाषण होगा स्वामी जी का, बट ही गेव 12 लेक्चर्स। अब नाटक में तो मैं 12 भाषण नहीं रख सकता था, तो आई उसको छोटा करके और चलिए सीन सुना। 11 सितंबर 1893, 17 दिनों तक चलने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भारत से आए प्रतिनिधियों के साथ ही मंच पर बैठा था मैं। सारे प्रतिनिधि काफी तैयारी से आए थे, लिखकर लाए थे अपना अपना संभाषण। इतनी बड़ी सभा में मुझे कभी भी बोलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए जब अचानक मुझसे बोलने के लिए कहा गया, मेरा गला सूखने लगा, धड़कन तेज हो गई। मैंने प्रार्थना की कि मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाया जाए। अपने मन को तैयार कर रहा था मैं। गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस का पावन स्मरण किया। बहुत बड़ा सभागार था, तकरीबन 6,500-7,000 लोगों से ठसाठस भरा। मेरी बारी आते ही मैं पोडियम की ओर गया। मां सरस्वती को प्रणाम कर मैंने बोलना आरंभ किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, शिकागो में ताली बजी थी, आप लोग ना बजाएं तो भी चलेगा। जिस प्यार और सहृदयता से आप सबने हमारा स्वागत किया, मैं धन्यवाद देता। सभी धर्मों की मातृ स्वरूपा हिंदू धर्म और उसके करोड़ों मानने वालों की ओर से भी आपको धन्यवाद देता। हम सब अलग अलग धर्मों को मानते हैं, पर हमारी मंजिल तो एक ही है। मुझे अभिमान है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जो हमें सहिष्णुता सिखाता है, जो मानता है कि हरेक मार्ग से चलकर उसे पाया जा सकता है। मुझे अपने हिंदू होने पर अभिमान है, जिसने आश्रय लेने के लिए आए ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों को न केवल अपने पास शरण दी, बल्कि उन्हें अपने समाज का हिस्सा भी बनाया। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और मजहबी उन्माद ने इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार खून से रंगा। ऐसा न होता तो कितनी सुंदर होती है दुनिया, कितना उन्नत होता हमारा मानव समाज। मेरा धर्म मुझे आत्मा के अमरत्व का पाठ पढ़ाता है। मैं आत्मा के अमरत्व में पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूं, पर मैं आपको पापी नहीं कहता। मेरे वेद आपको अमृतस्य पुत्र कहते हैं। अरे आप अमृत के पुत्र हैं, उसके अधिकारी हैं। आप लोग हमें धर्म सिखाना चाहते हैं। जिन देशों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, उनको आप धर्म देना चाहते हैं। धर्म मत सिखाइए हमें। धर्म का कोई अभाव नहीं है भारत के पास। मेरे धर्म का दर्शन शास्त्र इतना विलक्षण और गहन है कि मैं उस पर घमंड कर सकता हूं, पर फिर भी मैं आपको हिंदू नहीं बनाना चाहता। मुसलमान या ईसाई या बौद्ध को हिंदू नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई या मुसलमान ही। हाँ, एक दूसरे के धर्म के अच्छे गुणों को स्वीकार करने के बाद संभव है कि अगर आप ईसाई हैं तो अच्छे ईसाई बने, मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, और बौद्ध हैं तो अच्छे बौद्ध बने। विश्व धर्म सम्मेलन आज इसी बात को रेखांकित करता है कि पवित्रता, दयाशीलता और शुद्धता किसी संप्रदाय विशेष की पपौती नहीं है। प्रत्येक धर्म में जन्मे श्रेष्ठ और उन्नत चरित्र के लोगों का जन्म इसी बात को प्रमाणित भी करता है। पर अगर इसके बाद भी कोई सोचे कि विश्व के सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और उसके धर्म का सारे संसार पर आधिपत्य हो जाएगा, तो उस पर मुझे केवल दया ही आ सकती है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत शीघ्र हरेक धर्म की पताका पर लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं सृजन, कलह नहीं शांति, और मतभेद नहीं मिलन। यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं कि स्वामी जी वॉज ऑलवेज अपोज टू कन्वर्शन। कन्वर्शन के ऊपर उन्होंने बहुत कड़ाई से बोला। उन्होंने जिंदगी में केवल एक व्यक्ति को कन्वर्ट किया, एंड दैट वॉज मार्गरेट नोबल, जिनको उन्होंने भगिनी निवेदिता, क्योंकि माँ शारदा ने कहा कि नरेंद्र मैं तुझे आदेश दे रही हूं। बोले माँ मैं विश्वास नहीं करता इस बात कि धर्मांतरण होना चाहिए। आप माँ को मम्मी कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, अम्मा कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, बा कहेंगे क्या, क्योंकि
रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे। एक बड़ी रोचक घटना है, देहरादून में कुछ 300 मुस्लिम उनके पास गए स्वामी जी के पास, और एक जो था बोले स्वामी जी हमारे पूर्वजों का 3 पीढ़ी पहले उनका जबरदस्ती गले पर तलवार रख करके उनको मुसलमान बनाया गया, आप मिल गए हैं, आपके जैसा एक संत है, हम चाहते हैं आप हमको वापस हमारा धर्मांतरण करिए और हमें हिंदू बना लीजिए। बोले भाई मैं धर्मांतरण पर विश्वास नहीं रखता। बोले नहीं आज तो हम कसम खा के आए हैं कि आज अगर आप मेरा नाम नहीं बदलेंगे तो मैं यहीं पर आत्मदाह करूंगा। अब स्वामी जी बेचारे बड़े पशुपेश में पड़ गए। बोले अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम बदल देते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है मोहम्मद। बहुत अच्छा नाम है। बोले नहीं नहीं स्वामी जी ये सब चिकनी चुपड़ी बात से होने वाला नहीं है, मेरा हिंदू नाम रखिए नहीं तो मैं आज ही आत्महत्या कर रहा हूँ। बोले ठीक है तुम्हारा नाम रख देते हैं मोहम्मदानंद। स्वामी जी के जीवन में इस तरह की बड़ी रोचक घटनाएं हैं जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं कि एट द एज ऑफ 39 ही डाइड, 39 एंड ही बिकेम विवेकानंद व्हेन ही वाज 32, वाज जस्ट 32 इयर्स ओल्ड। और दूसरा लोगों को मन में एक विचार आता है कि कैसे मृत्यु हुई, उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां लोग बोलते हैं, बट उनको निर्विकल्प समाधि लेने की शक्ति उनके गुरु ने दी थी, और इसलिए वो डरते थे कि नरेंद्र को अकेले मत छोड़ना नहीं तो ये निर्विकल्प समाधि ले लेंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे निर्विकल्प समाधि। पर जैसे ही उन्होंने अपने रामकृष्ण मिशन और आश्रम का काम बढ़ाया, तब जब भी कोई संस्थागत रूप से काम होता है तो उसमें फिर करप्शन, इनडिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं। तो उनको लगा कि नहीं नाउ आई हैव टू गो, और उन्होंने अपनी मृत्यु बिल्कुल सुनिश्चित करके, द डे ही चोज वॉज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका 4th July 1902 ही लेफ्ट हिज बॉडी। अब मेरे हिसाब से मैंने करीब 1 घंटा 5 मिनट बोल दिया है, और अगर आप चाहें तो मैं तो बोलते रह सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक दो लाइटर नोट वाले कुछ सुनाना चाहता हूँ। मेरे नाटक से कुछ हास्य घटनाएं भी बन गई। तो गीत भी सुना दीजिए ना। गीत? हाँ बस एक दो गीत भी सुना दीजिए। नाटक के ही? इसी नाटक के या? नाटक के ना। अच्छा। नहीं एक स्वामी जी का लिखा हुआ। वो बंगाली सुना दीजिए ना एक। बंगाली स्वामी जी का। जो स्वामी जी ने पहला गाना ठाकुर के सामने गाया था ब्राह्मण समाजी भजन है, मोनो चलो निजो निकेतन, मन चलो निज निकेतन अपने घर, संसार विदेशे, संसार रूपी विदेश को छोड़ो, विदेशीर देशे, विदेशियों के भेष में, भ्रमो कैनो अकारण, क्यों तू भ्रमण कर रहा है अकारण में, ये ट्यून भी वही है जिस ट्यून में स्वामी जी ने गाया था। मोनो चलो निजो निकेतनी, मोनो चलो निजो निकेतनी, संसार विदेशे विदेशीर बेशे, भ्रमो সত্য পথে সত্য পথে মন করো আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চলো অনুকরণ, সঙ্গে তে সম্বল রাখো পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে মন চলো নিজো নিকেতনে, মন চলো নিজো নিকেতনে।
एक और चीज जो मुझे लगता है कि जो लोगों को पता नहीं है, जरूर मालूम होनी चाहिए, समाज सेवा देशभक्ति के अलावा भी, वो है कि नारी शिक्षा के प्रति या विधवा विवाह के प्रति, बाल विवाह के विरोध में स्वामी जी ने बहुत अपना जीवन दिया है। सबसे पहला लड़कियों के लिए स्कूल बनता है 1899, और वो आयरलैंड से सिस्टर निवेदिता को लेकर के आते हैं, और लाल बाजार कलकत्ते में पहली लड़कियों की इंग्लिश मीडियम की स्कूल वो खुलवाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आम तौर पर लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि पहला लड़कियों का स्कूल भारतीय लड़कियों के लिए, जो अंग्रेज के लोग आते थे उनके अपने प्राइवेट स्कूल्स होते थे पर वो को एजुकेशन होते थे, ये जो स्कूल था दिस वॉज टोटली गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो ये जानकारी मुझे लगता है कि हम सबको ज़रूर मिलनी चाहिए। नाउ आई कैन इन्वाइट क्वेश्चन, प्लीज कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। यूट्यूब पर आपके कोई मिलता नहीं है नाटक पूरा, कितनी अच्छी बात है। इच्छा होती है देखने की लेकिन यूट्यूब पर मिलता नहीं। मैं चाहता हूँ, देखिए मैंने संगीत का पेशा छोड़कर नाटक में आया था और घर फूक तमाशा मैंने किया है, पर एक काम मैंने बहुत मेहनत से किया कि कभी भी अपने नाटक में कैमरा सामने नहीं रखने दिया। अगर आज मैं नाटक कर रहा होता तो ये कैमरा नहीं होता, और हमारी बहन जो मृणाल यहाँ पर अपने मोबाइल से मुझे शूट कर रही है वो अलाउ नहीं कर। उसका कारण है कि जैसे ही आप उसको कंप्यूटर पर या टीवी में देखते हैं फिर वो नाटक नहीं रह जाता। मैं चाहता था कि लोग मंच पर मैं सौभाग्य तक आए। अगर मैं आपको घर में देखने की सुविधा कर दूंगा ना तो आप घर में करते करते आपको आपकी पत्नी आगे बोले गए गरम गरम कांदे भुजिए आए थे, कांदे भुजिए। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह से आप नाटक देखें, या अचानक फोन आया तो आप मेरे नाटक को पॉज करते और आप बोलते हैं हाँ बोला साहब क्या बोला था। वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने नाटकों को जानकर, और बहुत कठिन काम है मेरे जैसा पागल व्यक्ति आपको जो नाटक करके अपनी आजीविका कमा रहा हो और जिसने फिल्म नहीं की मुंबई में रहते हुए, जिसने टीवी सीरियल नहीं किया, जिसने विज्ञापन नहीं किए, ऐसा कलाकार आपको थोड़ा कठिनाई से मिलेगा, मुझे अभी तक मिला नहीं। क्योंकि नाटक को मैंने या तो करेंगे या मर जाएंगे वैसी वाली, मैंने तीसरा मैंने विकल्प नहीं रखा था, इसलिए मैंने यूट्यूब पर नहीं रखा। और जो भी लोग ध्यान करते हैं आप उनसे अगर बात करेंगे तो जब ध्यानस्थ अवस्था आती है तो उस समय जो मैंने सुना है एक गेरुए रंग का या अग्नि के रंग का आलोक दिखाई देता है। पर जो जिनको कुछ ऐसी आत्माएं होती है जिनको ईश्वर जन्मजात सिद्धि देता है, ऐसे लोगों को चलते फिरते बात करते करते वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो स्वामी जी पहली बार ध्यानस्थ होते हैं जब वो 14 साल की उम्र है और वो साले कसा दरे कसा के दो पहाड़ों के बीच से बैलगाड़ी में जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत जगह मिलेंगी। अगर आप गुरु नानक देव जी की जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें भी गुरु नानक देव जी अचानक बात करते करते या गाते गाते ध्यानस्थ हो जाते। कबीर बात करते करते ध्यानस्थ हो जाते, रामकृष्ण परमहंस। पर ध्यानस्थ होने का मतलब यह है कि उस आलोक से वो आलोक धीरे धीरे अंदर दिखाई देता है और फिर वो आलोक इतना बड़ा हो जाता है कि आप उस बहुत बड़े उल्का पिंड के एक छोटे से कण मात्र हो जाते हैं, और वो एक अनुभूति का प्रश्न। आलोक यानी प्रकाश, एक प्रकाश, आलोक ज्योति प्रकाश, अपने यहाँ वही बहुत सारे शब्द हैं। एक आपके नाटक का टुकड़ा यदि आप प्रस्तुत करेंगे। मैं बहुत सारे टुकड़े आए मैंने प्रस्तुत कर दिया अनखेड़े। हाँ अच्छा पर तो नंदर कर कोई परिव्राजक यायावर भ्रमण करने वाला, पर परिव्राजक का और यायावर में एक फर्क है। परिव्राजक जो होगा उसका एक उद्दिष्ट हो,
वो एक उद्देश्य के साथ यात्रा करेगा तो परिव्राजक। अगर आप सोचेंगे कि चलो मैं पैदल 5 अष्ट विनायक करूंगा तो आप परिव्राजक हो उस यात्रा। पर अगर आप ऐसे घूमने के लिए निकल गए दोस्तों के साथ, अपने किसी ने बोला इधर महाट के गणपति है चलो देख देखे, फिर आप परिव्राजक नहीं। When you start a trip with a mission, then you are a परिव्राजक। संकल्पस्थ यात्रा। एक्चुअली वो उनके पिताजी के भाई थे, परंतु उम्र इतनी ज़्यादा थी कि बंगला में जब कोई बहुत बुजुर्गवार होता है उसको हम दादू या दादाजी या नाना जी ऐसा एक नाम देते हैं। तो कैसा है कि कई बार आज ही आप अपने पड़ोसी की माँ को भी आज ही बोल लेते हैं, उनकी माँ की माँ को भी आज ही बोल लेते हैं, कि उस तरह से होता है। मतलब उस तरह से मैंने दादू एक शब्द का इस्तेमाल किया। आप सभी धर्म का उल्लेख किया है, उन्होंने सभी धर्मों में बुद्ध धर्म को अच्छा माना है, ऐसा मैंने पढ़ा है थोड़ा। बिल्कुल, तो स्वामी जी भगवान बुद्ध के प्रति बहुत अधिक उनको मानते थे, क्योंकि बुद्ध के कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बुद्ध को समझने के लिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध को अगर मैं ऐसे ही चर्चा में इस तरह से, मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, परंतु अगर मुझे बुद्ध पर चर्चा करनी होगी तो मैं चाहूँगा सिर्फ 2 या 3 लोग मेरे साथ बैठकर बात करें। तो स्वामी जी ने बुद्ध को जिस तरह से पढ़ा है, और केवल बुद्ध नहीं, उन्होंने वैसे ही जीसस क्राइस्ट पर आपको बहुत अच्छा साहित्य स्वामी जी का मिल जाएगा। आप एक काम करिए, कभी मौका मिले तो गोल पार्क में चले जाइए, गोल पार्क रामकृष्ण मिशन कैलकटा में, वहाँ जो खाना बनाते हैं सन्यासियों के लिए वो सारे मुस्लिम लोग हैं जो रसोई हैं, जो खाना परोसते हैं वो क्रिश्चियन और बौद्ध हैं, और ये आज की परंपरा नहीं है, स्वामी जी ने उसी तरह से मनाया था। एकमात्र आश्रम है जहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरुपर्व मनाए जाते हैं। तो ये आपको स्वामी जी को समझने के लिए बहुत आगे तक समझना पड़ेगा। वो बुद्ध के उस वैचारिक क्रांति का बहुत ज्यादा वो अभिभूत होते थे उस। जी पहले पीछे वालों को पूछ लेते हैं। एक मिनट में सुना, ये बड़ा अच्छा प्रश्न। तुम्हारा ये विचार तो आपन कौन, ये सवाल आपसे कोई भी पूछेगा ना, हु आर यू, बोलिए। मैंने पूछा, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मैं पूछता हूं आपसे आप कौन है, हु आर यू। माइक पकड़ते हु आर यू, मैंने मैं आपको किस रूप में पहचानूं, आपने मुझसे ये सवाल पूछा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हु आर यू। यू आर अ नॉर्मल गर्ल, सो एवरी नॉर्मल गर्ल इज यू, इजंट इट? नो, देन हु आर यू? चेतना थोटी, माय नेम इज चेतना थोटी। सो यू आर अ नेम, आर यू अ नेम? नो, देन हु आर यू? नेक्स्ट। केवल इस प्रश्न का उत्तर अगर आप दे देंगे तो आपको आध्यात्म क्या है समझ में आ जाए, मैं कौन हूं, बस यही आध्यात्म। नमस्कार सर। सर जब हमने हिंदू शब्द सुना जिसका फारसी में मतलब ऐसा था जिसको सुन के हमें हंसी आया, तो स्वामी जी ने कभी उस नाम को बदलने का प्रयत्न नहीं किया कि उसकी वजह ऐसा कुछ भी, बदलने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उन्होंने कन्वर्शन भी नहीं किया। एक और शब्द बताता हूँ आप, उसका भी अर्थ गाली के रूप में है, वो है इंडियन। ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया पुरानी होगी, 20 साल पहले की
तो उसमें एक बार इंडियन का भी अर्थ देख लीजिए। थैंक यू। जंगली कबीले में रहने वाला असभ्य कैनिबल, सेम मीनिंग फॉर इंडियन। जहां जहां यूरोपीय उपनिवेशवाद वाले गए वहां के आदिवासियों को उन्होंने इंडियन कहा, उन्होंने अमेरिका में जाके रेड इंडियन कहा, वेस्ट इंडीज में जाके वेस्ट इंडियन कहा, हमारे यहाँ के उन्होंने इंडियन कहा। पर भारतीयों की विशेषता ये है कि हमें जब जब गालियाँ दी गई हमने उसी गाली को नाम बना लिया और इसलिए हम टिके रह गए, बाकी सब खत्म हो गए। अमेरिका में ओरिजिनल इंडियन ढूंढने जाएंगे तो आपको मुश्किल से अभी 3,500 मिलेंगे, पर इंडिया वाले सब बचे हुए। एक सवाल था कि स्वामी जी का विज्ञान के प्रति क्या एक दृष्टिकोण था? स्वामी जी की पूरी सोच ही वैज्ञानिक थी, क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे, रेसिडेंसी कॉलेज में, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, तो द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ जो देखिए बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है पहले 12-13 साल में आपने जिस सिस्टम को पढ़ा तो उस समय के अंग्रेजों की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, बिकॉज दे वॉन्टेड द बेस्ट माइंड्स टू बी एजुकेटेड एंड वर्क फॉर देम। सो ही वॉज वेरी वेरी साइंटिफिक। वो बिना साइंस और लॉजिक, ये दो के ऊपर स्वामी जी को भी आपको अगर अध्ययन करना है, उन्होंने कहीं भी कोई बात केवल किसी ने बोल दी तो नहीं माना। ही ऑलवेज चैलेंज्ड विथ एवरीवन इन अ वेरी, कोई किसी को दुखी करने के लिए नहीं, बट आपने बोल दिया करके मैं मान लूंगा, वैसे स्वामी जी नहीं थे। वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से हर चीज का विश्लेषण करना और उसके निष्कर्ष पर पहुंचना, जो विज्ञान का तरीका है। पर विज्ञान में एक और है, विज्ञान आपको एक बताता है कि आज का सत्य ये है। अचानक आपको, जैसे नॉनवेज खाने वाले हमारे बूढ़े सज्जन है, उनका अचानक फोन आया, अरे यार वो डॉक्टर बोल रहा है वो अंडे का जर्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हम छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा किया। अभी उनका 1 महीने पहले फोन आया, शेखर यार वो अभी बताया कि अंडे की जर्दी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो इज वेरी गुड फॉर बॉडी, खाइए। अपना देश जो है ना बड़ा मजेदार देश, हम लोग इतने बड़े वैज्ञानिक। देखिए क्या होता है, जब बहुत बड़ा दिया होता है ना तो दिए के नीचे अंधेरा हो जाता है। आप में से कोई डॉक्टर है यहाँ पर? एनी डॉक्टर्स हियर? नो। एनीवन हु इज कनेक्टेड विद एनी पैथोलॉजिकल पैथोलॉजी लैब? आप में से कितने लोगों को थायराइड की बीमारी पता है? पता है, नहीं आपने नाम सुना है, टेस्ट कराया होगा, T3, T4, TSH। अब मैं आपको बताता हूँ, आज से 45 साल पहले अचानक एक दिन भारत सरकार ने एक अधिनियम निकाला कि हर एक भारतीय के शरीर में आयोडीन की कमी है, इसलिए इसको आयोडाइज नमक खिलाना चाहिए। और हम सब बड़े ही विद्वान लोग, सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, हम सब ने आयोडाइज नमक खाना शुरू किया बिना ये टेस्ट कराए कि वाकई में आयोडीन की कमी है या नहीं। ये वैसे ही जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है, मैं आपको इंसुलिन का रोज इंजेक्शन लगाऊं। अब जिसको मान लीजिए शुगर लो है, उसको आपने इंसुलिन का इंजेक्शन दिया तो क्या होता है? कोमा में जाए, फेटल होता। पूरे के पूरे भारत में कुएं में भांग पड़ गई, सब लोग खाए जा रहे हैं आयोडाइज नमक। मेरे को जब थायराइड T3 TSH हुआ, मेरी वाइफ को भी हो गया, मैंने कहा यार इस पे सोचो यार, ऐसा हमने हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। तो मैंने कहा ये नमक मैं खाए जा रहा हूँ, आयोडीन का नमक। पहले जमाने में किसी दूसरे का नमक खाना मतलब अलग होता, अब आयोडीन का नमक खाया तो कर्ज चुकाना है। तो मैं भी पिछले 10 साल से भैया वो खड़ा नमक खाता हूँ। मैं आपको जो ये बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक तरीका ये होता है कि आप प्रश्न करते रहे, प्रश्न करेंगे तो आपको सारे समाधान उसके जरूर मिलेंगे। सर मेरा सवाल ऐसा है सर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो टाटा ने बनाया, तो ऐसा एक सुनने में आया था कि स्वामी विवेकानंद जी का उसमें बड़ा ही रोल है, शायद किसी जहाज पे उनका। सर उसके बारे में कहीं पढ़ने में नहीं आया, सिर्फ व्हाट्सएप में। नहीं, स्वामी जी के एक वन ऑफ द को ट्रैवलर्स वाज जमशेद जी टाटा। स्वामी जी बाई शिप जब गए थे तो मुंबई के भाउचा धक्का से गए थे कोलंबो, कोलंबो से कैलकटा, कैलकटा से रंगून, रंगून से हांगकांग, फिर वहाँ से चाइना, जापान होते हुए वैंकूवर गए।
जापान से वैंकूवर के बीच में जमशेदजी टाटा वॉज हिज को ट्रेवलर बट ही वॉज जस्ट प्लानिंग टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्टील प्लांट ऑफ इंडिया विच इज जमशेदपुर और टाटा. बट मुझे आईआईटी का बिल्कुल आइडिया नहीं है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS. नहीं मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको गलत जानकारी न दूँ. जो मुझे जितनी जानकारी है मैं भी आपकी तरह अध्येता अपने आप को स्टूडेंट ही मानता. I have not read anything about. ये पोस्ट वैसे व्हाट्सएप पे आई थी तो. अरे व्हाट्सएप का तो जवाब नहीं. देखिए गूगल देवी और स्वामी व्हाट्सएप पर नंदी उन दोनों से जितना बच के रहे उतना अच्छा. मैंने मेरा कहना है कि आनंद लेने के लिए जरूर परंतु उसको क्रॉस चेक जरूर करें. जैसे अभी आपने मेरे साथ किया. मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं. जी सर मार्केट में अभी स्वामी विवेकानंद पे अलग अलग लेखकों की अलग अलग जीवनी मिलती है. सर आपके हिसाब से किस लेखक की जीवनी बेस्ट रहेगी? अगर आपको विदेशी लेखकों पर विश्वास हो तो रोमा रोला की अच्छी है. रोमा रोला की बुक है विवेकानंद. आप रामकृष्ण मिशन के बुक स्टोर में मिल जाएंगे. एक मुझे जो पुस्तक बहुत अच्छी लगी वो तीन खंड में है स्वामी विवेकानंद जीवनी. आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स. और अभी एक बहुत अच्छा कलेक्शन आया है स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ. दैट इज वंडरफुल बुक. अगर आप अंग्रेजी में हिंदी में भी शायद मराठी में भी शायद उसका अनुवाद हो गया हो. मजे की बात यह है कि रामकृष्ण मिशन का पूरा पब्लिकेशन आपके शहर में होता है. जहां जहां स्वामी जी ने अपने बारे में कुछ कहा किसी पत्र में किसी भाषण में किसी चर्चा में उन सब का संकलन करके स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ. बट जो मैं तीन भागों में जो पुस्तक जो शायद आपकी आपकी नज़रों से गुजरी है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स आई हैव कम अक्रॉस. बट बांग्ला में भी पुराना जो साहित्य है बहुत कुछ आपको मिलता है. उनके एक दो गुरु भाइयों के भी नाम म नाम से उनके एक गुरु भाई ने लिखा है. केवल म राइटर का नाम म है. तो रामकृष्ण मिशन के ही मांग है. एक बार आप देख लेंगे तो मुझे अभी एकदम से याद है. पर बहुत अच्छी है वो तीनों खंड बहुत संग्रह करने योग्य. जी नमस्ते सर. सर थोड़ा सा विषय से हटके प्रश्न है मेरा. तो बात ऐसी है आप नाटक काफी समय से लिख रहे हो और नाटक से ही आपका जीवन चल रहा है. तो मैं ये पूछना चाहता था कि आपका और आपकी जीवन संगिनी के साथ संघर्ष कैसा रहा नाटक के साथ? थोड़ा सा प्रश्न अलग है पता है. संघर्ष जी मैं केवल आपको इतना बोल सकता हूँ अगर आप पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं. मैं करता हूँ. मुझे लगता है मेरे पिछले 50 जन्मों का पुण्य होगा जो मेरे को ऐसी पत्नी मिली. पूर्व जन्म तो सुना है लेकिन मेरी पत्नी ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि मैं कुछ भी लोभ में आकर कोई निर्णय न ले लूँ. तो इसलिए उन्होंने शी वॉज वेरी मच आफ्टर कि आपका काम जो है वो अच्छा होना चाहिए और श्रेष्ठ काम होना चाहिए. इसलिए संघर्ष हमारे मेरा बेटा कई बार कोई दूसरे हमारे मित्रों के यहाँ कभी हम जाते हैं और उसमें पति पत्नी में झगड़ा होता है तो मेरा बेटा एकदम आँख बड़ी बड़ी करके देता है. उसके घर में कभी उसने मुझे और मेरी पत्नी को कभी ऊँची आवाज़ में ही बात करते हुए नहीं देखा. हम लोग हास्य रस के प्रेमी मतलब दिन में कम से कम 20-25 चुटकुले मैं उसको सुना देता हूँ और वो भी मुझे सुना देती है. तो हम लोग खूब आनंद में रहते हैं. पर नाटक के प्रति मेरी पत्नी भी बहुत अध्ययनशील है. अंग्रेजी में जिसको बुक वर्म कहते हैं तो शी इज ऑलवेज रीडिंग अ बुक. मेरा बेटा मुझे बहुत हेल्प करता है इन जब हिस्ट्री कोई भी नाटक का रिसर्च करने के लिए आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जमा करने पड़ते हैं. उनको क्रोनोलॉजिकली जमाना पड़ता है. यू कैन नॉट जस्ट पुट कि 1874 में ये हुआ था और 1876 में की घटना आपने 74 में लाई. वैसा नहीं होता. आपको एक घड़ी के साथ चलना पड़ता है जब आप कोई जीवनी पर लिखते हैं. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग विद अ वर्क. मेरी पूरी फैक्ट्री मेरा परिवार है. मैं मेरी पत्नी और मेरा बेटा तो हम ही लोग तीनों मिलकर रिसर्च करते रहते हैं. उसको आनंद एक दूसरे को पहले सुनाते हैं. एक दूसरे की पहले खूब खिंचाई होती है आपस में और फिर हम लोग उसके बाहर सुनाना शुरू करते हैं. आप कुछ पूछ रहे थे सर. आपने स्कूल का नाम नहीं बताया था. कौन जो पहला स्कूल कलकत्ता में खोला था गर्ल्स के लिए?
मैं एकदम से मुझे स्मरण नहीं आएगा, परंतु लाल बाजार में वो स्कूल की स्थापना होती है। लाल बाजार इज द एरिया, मोहल्ले का नाम। सिस्टर निवेदिता, थोड़ा सा इसमें गूगल की आप हेल्प ले लीजिए। हाँ, आप कुछ पूछो। जैसे आपने बताया कि वो फर्स्ट वुमेन स्कूल था, बट महाराष्ट्र में ऐसे माना जाता है कि स्त्री शिक्षण जो है वो पुणे में सबसे पहले शुरू हुआ जी, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा और भिड़ेवाड़ा में उनकी शुरुआत हुई। किस माध्यम का था? हाँ, मैंने आपसे अगर कहा कि पहला इंग्लिश मीडियम, हाँ इसलिए मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में एक आयरिश महिला एज प्रिंसिपल ने सिस्टर निवेदिता, और वहाँ वो अंग्रेज बच्चों के लिए नहीं, भारतीय बच्चों के। मैं सबसे बड़ी जो बात मुझे अच्छी लगती है कि केवल भारतीय लड़कियों के लिए नारी शिक्षा, जब तक भारतीय लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी तब तक क्या नारी शिक्षा है। तो बिल्कुल नहीं, तो आए उसको मैं बिल्कुल विरोध नहीं, उसके पहले भी तमिलनाडु में खुल चुका है, मेरे पास वो सारी जानकारियाँ हैं, पर इसलिए मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको अंग्रेजी माध्यम का पहला लड़कियों का स्कूल ऐसा कहा। मराठी में खुल चुके हैं, संस्कृत की हमारी परंपरा रही है तो पुरानी परंपरा है, परंतु इंग्लिश मीडियम का स्कूल, क्योंकि अब एक और मैं आपको बताता हूँ, भारतीय आदमी को ना योग में मज़ा नहीं आता, जैसे ही वो योगा बोलते हैं ना तब मज़ा आता है। आप गीतांजलि ऐसे नहीं पढ़ते, जब जैसे ही उसको स्विट्जरलैंड से नोबेल प्राइज मिलता है तो आप एक आने की पुस्तक को 10 आने में खरीद के वही गीतांजलि आप पढ़ते। तो जैसे ही वो फॉरेन रिटर्न होता है तो उसमें थोड़ा मतलब वाटता। शेखर जी, एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है। अच्छा, ये भी आप तय कर रहे हैं। अच्छी हाँ, धन्यवाद। अमर जी ने अभी एक सवाल पूछा था कि जमशेद जी टाटा के साथ में जब स्वामी विवेकानंद का जहाज पे सवाल हुआ था, तो उस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अभी भी स्वामी जी ने लिखा हुआ पत्र जो जमशेद जी टाटा को लिखा हुआ था, उनके प्रेरणा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना। तो उस वक्त जमशेद जी टाटा ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा था कि आप आइए और आपके प्रेरणा से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना है तो आप आइए और प्लीज आप डायरेक्टरशिप ये इंस्टीट्यूट की संभालिए। तो स्वामी जी ने सीधा मना कर दिया था कि मेरे को मुझे इतने ही बड़ी जिम्मेदारी उन पे है, तो इन्होंने वो मना कर दिया था। तो वो तो जो त्याग का स्वभाव उनका जो भरा था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस देश में हमने केवल उसी को माना जो त्याग कर सका, जिसने त्यागा नहीं। हमने बुद्ध को क्यों माना, हमने राम को क्यों माना? जिसने भी त्याग किया वो हमारे लिए पूज्य हुआ। चाहे मेरा विरोधी भी है, पर अगर त्याग करने वाला व्यक्ति है तो अपने आप मेरा सिर झुक। जी, हाँ वो मैं सुनाता हूँ, पर आप लोग अगर अनुमति देंगे तभी, क्योंकि मेरे नाटक में बहुत सारी समस्याएं हुई। जैसे पहला एक भारत में समस्या ये है कि अगर आप तुलसी, कबीर, विवेकानंद और सूरदास जैसे नाटक करते हैं तो लोग सबसे पहले तो आपको संत समझने लगते हैं, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं सीधा साधा गृहस्थ आदमी हूँ और अपनी पत्नी और बेटे और अपने मित्रों के साथ खूब आनंद से रहता हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि स्वामी जी या इस तरह के नाटक करने के बाद मैं अधिक साहसी हो गया। मुझे सत्य बोलने में, सत्य सुनने में, किसी को ना बोलने में, किसी को हाँ बोलने में अब मुझे समय नहीं लगता। मुझे पहले लगता था, पहले मैं पछताता भी था, अब नहीं है। पर अगर आप सब अनुमति देंगे तो फिर एक थोड़ी लाइटर घटना सुना रहा हूँ, ताकि हास्य रस के साथ हम लोग जाएं। बंगाली यहाँ कितने हैं? कोई हैं? एक्चुअली अच्छे है ना, अपने अच्छे हैं। अच्छा, वाह, और कोई? 2, 3, 4। अरे वाह, खूब फल। बंगालियों की एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है वो ये कि उनको ऐसा लगता है, उनको शुरू से ही उनको मालूम है कि अगर सबसे अच्छा दिमाग किसी का है तो बंगाली का। आई एम द बेस्ट वन। तो जो मुंबई का बंगाली समाज था, उन लोगों ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया जब मैंने तुलसी किया या कबीर किया। उसके पहले मेरे 227 सीडीज रिलीज हो गए थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। मेरे 1500 गाने के कार्यक्रम हो गए थे, दे वर नॉट इंप्रेस्ड। ऑल माई रिलेटिव्स इन मुंबई। द डे आई स्टार्टेड विवेकानंद,
suddenly they were very proud of Banglar Gaurav. Amadir Shekhar. ना ये वाला जो एक फीलिंग है, तो हमारी एक भाभी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उनका फोन आया, शेखर अमी बौदी बोल छी। हाँ भाभी बोलिए, अभी तुम्हारा शनिवार को प्रोग्राम हो रहा है विवेकानंद। मैंने कहा हाँ भाभी, मैं उसमें आने वाली हूँ, तुम श्वेता को बोल देना मेरे लिए 3 टिकट रख देगी एकदम पक्का, तुम बोल देना। मैंने कहा हाँ भाभी मैं बोल दूंगा, हो जाएगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए। जब मैंने सोचा इसके बाद फोन रख देंगे, मैं वाइफ को बोल दूंगा भैया 3 टिकट रख देना। शेखर तुम्हें जानो ना, अभी 6 महीना पहले मेरा बड़ा दीदी और मेरा बड़ा जामाई बाबू उन लोग आए कोलकाता से, मैं तुम्हारा नाटक दिखाने के लिए लेके गई। मेरा जीजा जी, मेरा बड़ा दीदी मेरे से 15 साल बड़ा, मेरा जीजा जी इतना मेरे को आशीर्वाद दिए, बोले तोकू तो भालो काज करे छो तुम मेरे को मरने के पहले स्वामी जी का दर्शन करा दिया, तो तुमको मालूम शेखर कितना आशीर्वाद दिया मेरा जीजा जी, मालूम है तुम्हारा नाटक देखा उसके 10 दिन बाद ही उनका। तो अच्छा इसमें आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा हाँ हाँ भाभी ठीक नहीं, अभी जो मैं आ रही हूँ शनिवार को, मैं मेरा छोटा दीदी और छोटा जिया जी। इस तरह के भी अनुभव होते हैं। एक और छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। एक दिन एक स्वामी जी हैं गुजरात के, तो उनके साथ मेरा एक पैक्ट है, वो मेरे से बंगला में बात करते हैं, मैं उनसे गुजराती में बात करता हूँ। तो उनका रात को 4 बजे फ़ोन आया। अच्छा 4 बजे मैं फ़ोन नॉर्मली साइलेंट पर रखता हूँ, तो साइलेंट में फ़ोन जो है ना वो ऐसी एक अजीब सी एक आवाज़ आती है। मैं झट से फ़ोन मैंने उठाया, तो उसमें एक गुजरात के स्वामी जी उनका, शेखर मैं कहा हाँ स्वामी जी, हूँ अत्यारे चंडीगढ़ में छू, मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ। अच्छा स्वामी जी, यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपको कुछ हुआ? नहीं नहीं मेरे को नहीं हुआ है, तुम्हारे बहुत बड़े फैन है। अच्छा वो अभी आईसीयू में है। अच्छा अभी रात को 4 बजे ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अहमदाबाद के स्वामी जी चंडीगढ़ पहुंच गए वहाँ आईसीयू में, और वहाँ पे मेरा भक्त है, कौन भक्त है मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा वो जो गाना है विवेकानंद नाटक का, प्रभु मोरे अवगुण जितना धरो, उसका बहुत बड़ा फैन है। ठीक, तो अभी मैं ये फोन उसके कान में लगा रहा हूँ, अभी उसका मुंह में ऑक्सीजन मास्क है, उसका हाथ में आईवी चढ़ा हुआ है, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, तुम उसको वो भजन सुना। अच्छा मैं रात को 4 बजे प्रभु मोरे अब, मेरी पत्नी उठी, हे क्या धरो, कोई रिएक्शन नहीं, तो उन्होंने बोला था रिएक्शन नहीं, पहला अंतरा गया फिर कोई रिएक्शन नहीं, दूसरा अंतरा गया फिर रिएक्शन नहीं। उतनी देर में मेरी पत्नी उठ के बैठ गई कि क्या हो गया उसके पति को, ये 4 बजे उठ के गाना क्यों गाया। पूरा गाना गाने के बाद मैंने स्थाई 2-3 बार और गाया, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, फिर मैंने फोन काट दिया और सो गया। सुबह उठा मुझे फिर ध्यान भी नहीं रहा कि ऐसा फोन आया था। अचानक शाम को 6 बजे फिर से स्वामी जी का, शेखर यहाँ स्वामी जी, अचानक मुझे याद है कि सुबह इनसे बात, अरे भाई बहुत पुण्य का काम है तुम्हारा गाना सुनते सुनते ही। मैंने कहा यार इसके बाद तो मेरी हालत उस आर्टिस्ट जैसी हो जाएगी कि किसी के चाचा जी या दादा जी आईसीयू में हैं, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, सारे रिश्तेदारों ने वो इसको शेखर सिंह का गाना सुना, काफ़ी इफेक्टिव है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, पर मुझे कई बार लगता है, अगर आप नाउ ऑन द सीरियस साइड, कई बार मुझे लगता है आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट आर्टिस्ट, कि बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग अ
2 hours long play on Kabir, on Tulsi, on Surdas, on Vivekananda. आप सोचिए 2 घंटे तक मेरे ऊपर इतनी इतना प्रकाश रहता है कि मैं किसी को देख नहीं पाता, तो मैं अकेला उस महान व्यक्तित्व के साथ अकेले रहता हूँ मंच में, उसी की हंसी हंसता हूँ, उसके आंसू रोता हूँ, उसके जीवन को एक बार मैं और जी लेता हूँ। स्वामी जी ने तो एक ही बार जिया होगा, पर मैं तो हर बार जी रहा हूँ। मैं हर बार उनके जीवन की उन सारी गलियों के बहुत करीब से उनको छू करके वापस आ जाता हूँ। मुझे लगता है मेरे जैसा भाग्यवान कलाकार अभी तक मैंने तो कोई दूसरा नहीं देखा। मैं बेशी कोता बांग्ला बोलते जाने ना, किंतु खूब भालो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो भी ऑडियंसेस आज आए हैं, शेखर सेन जी ने सिर्फ एक कॉल पे, एक मेल पे एक्सेप्टेंस दिया, और आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, आज सुबह शेखर सेन जी को एयरपोर्ट पे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होटल के कुछ नियमों की वजह से, सो आई वुड लाइक के बारे में बोलना था, वो बैलगाड़ी में गए कार के लिए वेट करना, सो वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट ऑल्सो, and thank you so much for this wonderful session. Would like to invite you once again if you accept the invitation. I'm sorry we are going to bother you for your guidance for the further things also, and as we all know that he is chairman Sangeet Natak Academy, and he is a great source for guidance related to such kind of cultural enhancement in the city, and we as a group now thinking to proceed with some cultural events along with the knowledge series. Second most important thing, मुझे काफी लोगों ने सवाल पूछा कि आप ये free रखते हैं session, इसके लिए आप कुछ passes रखिए, जैसे last session में देवदत्त जी का session हुआ था, उस वक्त भी ये बात आई थी कि आप passes रखिए। हम passes भी free रखेंगे, but session free रखने के पीछे का reason ही ये है कि ये जो सीरीज है ये हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो ये सोचता है कि बाप रे टिकट लेनी पड़ेगी। सो इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज है, हम आपसे एक एसएमएस रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। एसएमएस रजिस्ट्रेशन के पीछे का भी आप फ्री मेल करिए, जैसे एमएस सुबलक्ष्मी, आपने नाम सुना, एमएस सुबलक्ष्मी जी फ्री में प्रोग्राम करती थी, आखिरी 30 साल उन्होंने एक भी पैसा छुआ भी नहीं पैसे, और उनकी एक शर्त होती थी, आप 2 लाख रुपए टाटा कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करिए, वहाँ की रसीद लाइए, मैं फ्री में आके प्रोग्राम करके जाऊँगा। आप ब्लाइंड एसोसिएशन को 1 लाख रुपए दे दीजिए, रसीद दिखाइए, मैं फ्री में प्रोग्राम करूँगा। आप इन सब को बोलिए कि कोई भी एक अच्छा काम, 100, 200, 500 जो भी है, किसी एक अच्छी संस्था को आपने डोनेशन दिया, उसकी रसीद दिखाने से आप उनको फ्री में पास दीजिए। बहुत अच्छा सजेशन है, और हम श्योरली इस चीज के लिए करेंगे। फिलहाल रिसीट दिखा के एंट्री के बदले अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं एक कोई छोटा सा काम कीजिए, और आप उसका एक छोटा सा बाइट बना के हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर आपके पास में है, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कुछ भी आप नॉलेज सीरीज से आप जो कुछ भी आत्मसात कर रहे हैं उसके बाद अगर आप कुछ करते हैं, तो ये मेरा ओपन इनविटेशन है कि आप हमारे मोबाइल नंबर पे उस व्हाट्सएप पे वो शेयर कीजिए, या आप हमें मेल कीजिए, हमारे वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, या आप हमारे SGR नॉलेज फाउंडेशन के पेज पे भी उसको पोस्ट कर सकते हैं, हम श्योरली उसको रिकग्नाइज करेंगे। और दूसरी चीज़, SMS आपसे मांगने के पीछे का रीज़न ये है कि अगर इन केस कोई चेंजेस सेशन में आते हैं तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर सके, इसीलिए आपकी तरफ से SMS रजिस्ट्रेशन। प्लस SMS रजिस्ट्रेशन का दूसरा मोटो है कि अटेंडीज कितने हैं उस हिसाब से हॉल का अरेंजमेंट करना, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो सके। थैंक यू वंस अगेन टू सर, एंड ग्रेट थैंक्स टू चेयरमैन ऑफ रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडर ऑफ SGR नॉलेज फाउंडेशन मिस्टर सुनील रायसोनी, दैट हिज विजन इज गोइंग बियॉन्ड एंड वी आर स्प्रेडिंग द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सच नॉलेजेबल पीपल विद अस। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल। हमारा नेक्स्ट सेशन 27th of October को है,
एंड नेक्स्ट सेशन 27th ऑफ अक्टूबर का मिस रुजुता दिवेकर का सेशन है, दैट विल ऑल्सो बी अ फ्री सेशन फॉर एवरीबॉडी.